हमारी सोच यानी माइंडसेट हमारे सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा फैक्टर हो सकती है। आज हम बात करेंगे दो तरह की सोच के बारे में, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। यह वीडियो आपको दिखाएगा कैसे दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क आपके करियर, आपके रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कैसे ग्रोथ माइंडसेट प्लेयर्स और आर्टिस्ट और प्रोफेशनल्स को ग्रेट बनाता है और कैसे बाकी लोग टैलेंट एंड स्किल्स होने के बावजूद भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के कॉन्सेप्ट्स फेमस साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक ने डेवलप किए थे। ग्रोथ माइंडसेट वो सोच है जो यह मानती है कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस इंप्रूव हो सकती है, बस हार्डवर्क और लर्निंग की जरूरत है। इसके बिल्कुल अपोजिट फिक्स माइंडसेट में लोग यह सोचते हैं कि उनके टैलेंट्स और स्किल्स फिक्स्ड हैं, यानी इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए अब इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे इन दो तरह के माइंडसेट के लोग चैलेंजेस, हार्डवर्क और फेलियर्स को देखते हैं। चैलेंजेस, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, वो इससे अपने नॉलेज को और डीप करने का मौका समझते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले इसे फेलियर का रिस्क मानते हैं, अगर कोई चैलेंज है तो उसमें आप फेल हो सकते हैं और उन चैलेंजेस को अक्सर वो अवॉइड करते हैं। एफर्ट को कैसे देखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट में एफर्ट एक नेसेसिटी है, सक्सेस मेहनत से मिलती है। ऑन द अदर हैंड फिक्स माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को यह समझते हैं कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो उनमें नेचुरल टैलेंट की कमी है। अब इन्हें कोई यह बताए कि कोई भी पैदा होते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो बनकर नहीं आता है, इन लोगों को भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। रिस्पॉन्स टू फेलियर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक लर्निंग का हिस्सा समझते हैं। जैसे फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वुडंट वर्क। लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले फेलियर को अपने टैलेंट्स पर डाउट की तरह देखते हैं कि शायद उनके पास टैलेंट ही नहीं है, और गॉड को ब्लेम करते हैं कि उन्हें टैलेंट देने में इतनी कंजूसी क्यों कर दी। जहां ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं, वहीं फिक्स माइंडसेट वाले लोग जेलस फील करते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं कि इसने कैसे इतनी प्रोग्रेस कर ली है। रिसर्च कहता है कि माइंडसेट का इफेक्ट हमारे दिमाग पर भी होता है। जब लोग ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं तो उनका ब्रेन लर्निंग मोड में होता है। येल यूनिवर्सिटी की स्टडीज दिखाती हैं कि ऐसे दिमाग में ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, मतलब आप लिटरली धीरे धीरे स्मार्ट होते चले जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक है, वह भी अपनी टीम से कई बार निकाले गए। उन्होंने कहा था कि आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई करियर, I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot, but I missed. I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. उनका यह quote growth mindset को perfectly capture करता है। Jordan अपनी failures को setback नहीं, बल्कि एक step मानते हैं success की direction में। उन्होंने इससे अपने आप को और improve करने का challenge समझा, और आज वो एक legend है। यही है growth mindset का effect. यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सक्सेस ऑफन फेलियर्स को गले लगाने के बाद ही आती है। रिमेंबर, टैलेंट और इंटेलिजेंस सिर्फ शुरुआत है, असली ग्रोथ हार्डवर्क और लर्निंग से होती है। योर ओनली लिमिट इज योर माइंडसेट। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।